सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी में हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है आजकल, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को एक न्यू कंपनी ने टेक ओवर किया है। तो जब से टेक ओवर किया है तब से हमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग खुद परेशान हो गए हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सीएसपी करीब दिन में 12 बजे के बाद से अचानक से बंद हो जाती है और उसका लिंक फेल हो जाता है या फिर तरह तरह के प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करते रहता हूँ। ये देखिए अनमैपेड एरर कोड ऐसा ऐसा कुछ आता रहता है जिसमें हमें पता भी नहीं चलता है कि इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो आज हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको यहाँ पे बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी का वेब पोर्टल एप्लीकेशन है उसको आप लोग दो विंडो में एक साथ ओपन कर सकते हैं और दोनों में आसानी से ये चलता है, किसी एक में लॉग आउट नहीं होता है, दोनों में एक साथ परफेक्टली वर्क करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने मोजिला फायरफॉक्स में इसको ओपन किया हुआ है और जैसे कि मैं यहाँ पे एडमिन में और कैश पोजिशनिंग यहाँ पे ये परफेक्ट चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अभी ये नहीं चल रहा है, अभी ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। रात को 9 बजे पता नहीं कौन सा इसमें सर्विस एक्टिव हो रहा है या क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो सीएसपी की जो टीम है उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अब मैं गूगल क्रोम में चलता हूँ और वही वाले यहाँ पे आप आईडी देख सकते हैं, वही आईडी यहाँ पे भी लॉगिन है और मैं दूसरी सर्विस ओपन करता हूँ। ये देखिए ओपन भी हो रहा है, काम भी कर रहा है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान के चलिए एक तरफ नहीं लॉगिन हो रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है कुछ भी सर्विस, तो यहाँ पे आप दूसरी तरफ इसी सर्विस का यूज कर सकते हैं आसानी से। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोजिला फायरफॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्योंकि ये परफेक्ट चलता है और इसमें ज़्यादा एरर नहीं आता है और ये 12 बजे के बाद से भी थोड़ा बहुत चलते रहता है, गूगल क्रोम के जैसा साफ का लूल नहीं हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये छोटा सा ट्रिक है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारे जितने भी बीसी हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, तो मैं उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ढूंढ के लाया हूँ। आप यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी का कंटेंट डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, ये नंबर है उन लोगों का और ये ईमेल आईडी है उन लोगों का। तो आप लोग जितना सा जितना हो सके इस नंबर पे कॉल कीजिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से और इस नंबर पे इस जो ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी पे आप लोग मेल कीजिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से और वहाँ पे मेल में आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो बनाइए जो एरर शो कर रहा है या फिर लिंक फेल हो जा रहा है उसका वीडियो बनाइए और यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे भर भर के भेजिए, इतना भेजिए कि इन लोगों को होस्ट ठिकाने में आ जाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये 2 या 3 महीने से पता नहीं कौन सा सर्विस एक्टिवेट कर रहे हैं, कुछ सर्विस आ भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग की सर्विस तो कुछ आ नहीं रहा है, उल्टा में हम लोगों का जो लिमिट है वो लिमिट को कम कर दिया गया है और प्लस में हमारा कमीशन का एकदम शून्य कर दिया गया है। मतलब हम लोग एक तो ब्रांच अलग से परेशान किया रहता है कि अकाउंट ओपन करने के बाद ही वो लोग अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करते हैं और प्लस में अकाउंट प्रिंट भी नहीं करते हैं और दूसरा ये लोग अलग से परेशान किए हुए हैं। तो इस तरह आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और इनको बताइए कि आपके साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही है बस। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो थे हमने एक वीडियो बनाया था कि पासबुक को प्रिंट कैसे करते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट दिखाया था फोटोशॉप का जिसके लिए आप सब ने बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया और आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था हमारे सारे वीडियो में लगभग कि भाई फॉर्मेट दे दीजिए। तो मैं आज यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो जितना से जितना हो सके यहाँ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए और वहाँ से मैं फोटोशॉप का फॉर्मेट डाल दूंगा, आप वहाँ पे आसानी से
इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप डाउनलोड तो कर सकते हैं लेकिन इसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पहले से ही सारी की सारी जो डिटेल होती है वो मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। और आप इसको यूज़ करना चाहते थे तो मैं आपको यहाँ पे ये पासबुक का जो फॉर्मेट है ये .psg फाइल यानी कि फोटोशॉप वाला फाइल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे और सिंपल सा यूज़ करेंगे। ये तब तक के लिए है, ये बस डुप्लीकेट फाइल है। आप लोग इसको बस रॉफ में यूज़ कीजिएगा, आप लोग इसको लीगली यूज़ नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा है, ये हमने पासबुक मतलब दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक सिंपल सा डमी पासबुक है जिसका यूज आप लोग तब तक करेंगे जब तक आप लोग का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच से आप लोग का अगर पासबुक नहीं आ जाता है तब तक के लिए ही ये है। आप लोग इसका रफ यूज़ मत कीजिएगा।